नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। कपड़ा नगरी भिलवाड़ा जिले में बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका नज़ारा भिलवाड़ा शहर के दो थाना क्षेत्रों में हुई घटना से लगाया जा सकता है। भिलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में रविवार दिन दहाड़े मामूली सी बात को लेकर चाकूबाजी की वारदात सामने आई। इस घटना में दो व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं भीमगंज थाना पुलिस चौकी में पहुंच गई पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी घटना शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पूर्व में भी दो बार चाकूबाजी की घटना हो चुकी है। मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। लगातार शहर में तीसरे दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई है। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से पुनीत चपलोत की ये रिपोर्ट। मैं तो मेरी दुकान पर था सर, मेरी गाड़ी हटानी थी और उनकी बाइक खड़ी थी पास में, तो मैंने बोला थोड़ी आगे ले ले। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे को जानता नहीं है। एक तो रवि रेबर, एक शिवा और एक क्या नाम सर, तो तीन आदमी थे। और वो उन्होंने धमकी दी कि तू मेरे को जानता नहीं, और ऐसा करके गाली गलौज करने लगे और हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए वो कमलेश आया तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया, और वो उसके दिए जवाब की फेंट की दी तो उसके यहाँ लगी, और मेरे भी चाकू की लगी, चाकू से हमला किया सर। और कुल मिलाकर मारने के लिए आए थे वो, तो पहले कोई रंजिश थी क्या? नहीं, कोई रंजिश थी। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि यहाँ भगता बाबा रोड पर एक व्यक्ति जमुना लाल तेली के चाकूबाजी हो गई। यहाँ हॉस्पिटल में आया, इसके पर्चे बयान लिए और अनुसंधान किया। कितने प्राइमेशन क्या, कितने हमलावर थे, क्या बोल रहे? तो तीन आदमी के नाम जिस पर्चे बयान दिए। किस चीज़ को लेकर रिपोर्ट में क्या है, किस चीज़? ये गाड़ी की ये हटाने की बात को लेकर के आपस में गाली ग्लोच होकर के चाकू लगा दिया था और फेट वेट से। कितने दो घायल हैं? हाँ, दो इंजर्ड। Stay updated always with Bhilwara Lokwani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरें आपके मोबाइल पर, देखे न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।